दिल्ली के केशवपुरम इलाके से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक शख्स युवती के चेहरे पर चाकू मारकर फरार हो गया। युवती के चेहरे पर कई टाके आए हैं। केशवपुरम थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों का आरोप है कि आकाश पंडित नाम का व्यक्ति, जो उनके बच्चों को कई साल से पढ़ा रहा था, उसने महिला के ऊपर अपने साथ रहने का दबाव बनाया और कई बार धमकियां भी दी। जब महिला ने उसकी बात न मानकर पुलिस को इसकी शिकायत की तो आरोपी ने माफी भी मांगी, लेकिन बुधवार को उसने महिला के चेहरे पर ब्लेड से वार कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है और केशवपुरम थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। हेलो,